नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण का 24वां अध्याय सुना रही हूँ। 8वीं स्कंद का है। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। और आज 24वां अध्याय में है भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। आधा मैंने कल सुनाया, आधा आज सुना रही हूँ। जरूर सुनना, जब पूरा सुनोगे तभी पता चलेगा कि पूरा अध्याय में क्या था। उस मछली ने राजा से तीन होकर कहा हे राजा, मैं बहुत दीन होकर तेरी शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे फिर से जल में डाल देगा तो कोई बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मुझे फिर से नदी में न डालकर अपने यहाँ मेरा पालन करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। मछली की बात सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर अपने मन में विचार किया कि यह मछली मनुष्य के समान बोलती है, इसलिए इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा ने मछली से कहा, हे मत्स्य, तू धैर्य रख, मैं तेरा पालन अवश्य करूँगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और कभी ऐसे नहीं कहते कि मैं तेरा पालन करूँगा, भगवान आपका पालन करेंगे या भगवान हमारा पालन करते हैं। इतना कहकर राजा सत्यव्रत उस मछली को अपने कमंडलों में डालकर अपने स्थान पर ले आए। वहां आते ही मछली पल भर में इतनी बड़ी कि कमंडलों में फंस गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। उस समय उसने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, इस कमंडल में मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है, इसलिए तू मुझे किसी दूसरे स्थान पर रख। तब राजा ने कमंडल से भी निकाल उसे एक बड़े कुंड में रखा। वह मछली वहाँ भी बढ़ गई, इतनी बड़ी हो गई कि वहाँ भी उसके लिए जगह कम पड़ गई। तब राजा ने उसे पानी से भरे हुए एक गड्ढे में रखा। जब वह गड्ढा भी छोटा पड़ गया तब राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। छोड़ दिया। कुछ ही देर में वह मत्स्य इतना बड़ा कि तालाब भी उसके शरीर के लिए छोटा पड़ गया। यह देखकर राजा ने उस तालाब को नदी तक खुदवा कर मत्स्य को उसमें पहुँचा दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पहुँचा दिया। फिर जब वह राजा नदी में स्नान करने गया तो वह यह देखा कि वह सारी नदी मत्स्य के शरीर से भर गई है। जब यह देखकर राजा बड़े परिश्रम पूर्वक उस मत्स्य को ले समुद्र पर गया और उससे इस प्रकार कहने लगा, हे मत्स्य, तेरे रहने के लिए इससे बड़ा स्थान और कोई नहीं है, अब तू यहाँ सुख से रहे। उस समय उस मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को बतलाया, हे राजन, तू स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी तथा धर्मात्मा समझता है, परंतु मुझे समुद्र में अकेला छोड़कर जा रहा है। अब तू ही बता कि अब जब मुझसे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ ही मुझे खाने को आएगी, उस समय मैं क्या करूँगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। उस समय मैं क्या करूँगी। राजा सत्यव्रत ने ज्ञान से जान लिया कि यह सामान्य मत्स्य नहीं है। ऐसा विचार करके राजा सत्यव्रत ने उस मत्स्य की स्तुति करते हुए कहा, मत्स्य की स्तुति कर हाथ जोड़कर कहा, हे महामत्स्य भगवान, मैं अभी तक नहीं पहचान पाया था कि आप कौन विलक्षण अवतार हैं। मेरे बड़े अहो भाग्य हैं जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राजा सत्यव्रत ने मुख से ऐसे ज्ञानपूर्वक वचन सुनकर मत्स्य भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, तू जो यह समझ रहा था कि मैं तेरा पालन करूँगा, इसलिए मैंने तुझे अपनी महिमा दिखाई है जिससे तेरा अहंकार नष्ट हो जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी काम मनुष्य को कहना चाहिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी काम के लिए मैं करूँगा। मनुष्य को कब ये नहीं कहना चाहिए कि मैं करूँगा, ऐसा न कहे। सब बातों में भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भगवान चाहेंगे तो वैसा हो जाएगा, यही कहना चाहिए। हे राजा, तू विश्वास मान कि सर्वशक्तिमान प्रभु जो चाहते हैं वही होता है।
उनकी इच्छा के विरुद्ध मनुष्य के किए कुछ नहीं हो सकता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हर हर महादेव की जय।